अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। भुना चिकन मसाला बनाने वाली हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, इजी है। इंग्रेडिएंट बहुत कम लिए हैं मैंने, मसाले बहुत कम लगते हैं, तो इस तरीके से हरा मसाला ले लिया है मैंने। 2 बड़े चम्मच ऑयल में प्याज को डाल दिया है। 3 बड़े प्याज को मैंने काट लिया है, बारीक चॉप करना है प्याज को। ऑयल में अच्छे से भून लेंगे प्याज को, जब तक ऑयल में भुनता है इस तरीके से भून लेना है प्याज को। भुना चिकन मसाले में प्याज ज़्यादा लगता है, तो इस तरीके से भून लेना है प्याज को। उसके बाद में हरा मसाला जो मैंने आपको पहले बता दिया है, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक और हरा धनिया, इनको पीस लिया है हरी मिर्ची के साथ। जिंजर गार्लिक जो है, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, इनको अच्छे से भून लेना है मसाले में, प्याज में, ऑयल में। उसके बाद में इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। पहले मसाले को जो है, जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, हरा धनिया, इन्हें अच्छे से भून लेना है। तो ये चिकन भुना मसाला है, तो बहुत ही सिंपल है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये अच्छे से भुनने के बाद मसाले को मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डालें। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। 1/2 kg चिकन है, 1/2 किलो चिकन है, तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले को। मसाले को अच्छे से भुनने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दूंगी मैं। चिकन को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ढक दिया है मैंने इसे, छोड़ दूंगी 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। 20 मिनट बाद पानी छोड़ दिया है चिकन ने, तो इस तरीके से इसे गला लेना है स्लो फ्लेम पे। बीस मिनट चिकन को पकाने के बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है 2 बड़े। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 कप पानी डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से 10 मिनट के लिए ढक करके पका लूंगी मैं इसे। दस मिनट पकाने के बाद इसमें गरम मसाला पाउडर ऊपर से डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो रेडी हो गया है ये भुना मसाला, चिकन का भुना मसाला। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।